नमस्कार। आज की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आज का विषय है राग भीमपलासी और बंदिश या छोटा ख्याल। तो जो आज हम छोटा ख्याल सीखेंगे वो तीन ताल में ही है और सातवीं मात्रा से शुरू है और आप उसको खाली से भी शुरू कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम करेंगे आलाप, स्वर में आलाप करेंगे थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा आकार में आलाप करेंगे, उसके बाद छोटा ख्याल सीखेंगे और फिर छोटी छोटी ताने सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, तान पूरा ऑन करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं इस राग में ऋषभ स्वर और धैव स्वर वर्जित है, वर्जित इन द सेंस कि आरोह में वर्जित है और अवरोह में दोनों स्वर हैं। तो आपको जब आप आलाप करेंगे आपको वो चीज़ ध्यान में रखना होगा और तानों में भी आपको वो चीज़ ध्यान में रखना होगा, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में ये बंधन तो है और ये सारे रूल्स जो इसमें हैं रागों के वो आपको फॉलो करके गाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्वर में आलाप को शुरू करते हैं। अब हम इसको आलाप को थोड़ा सा आकार में भी गा लेते हैं। आ
तो ये था स्वर में और आकार में आलाप। अब हम बंदिश करेंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसको आप खाली से भी शुरू कर सकते हैं और सातवीं मात्रा से भी शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपको सातवीं मात्रा से शुरू करना है तो आपको कैसे करना है, तो एक बार गा लेते हैं। अभी हम शुरू में सातवीं मात्रा से गा के देखते हैं, और जब आप इसके आलाप या तान वगैरह करेंगे तब आपको ये जा छोड़ के, क्योंकि फिर आठ मात्रा नहीं बनेगा ना तानों के लिए, तो आपको ये जा छोड़ के जा रे अपने यहाँ से शुरू करना पड़ेगा खाली से। इसका स्थाई और अंतरा दोनों ही खाली से हैं। चलिए शुरू करते हैं। जा रे अपने, जा रे अपने मंदिरवा, जा जा सुन पावेगी सा सन नदिया, जा जा रे अपने मंदिरवा, सुन पावेगी सा सन नदिया, जा जा रे अपने मंदिर। अब जब आपको अंतरा करना है तो आप मंदिर वा को लंबा कर दीजिएगा, या फिर मंदिर वा जा ये भी कर सकते। सुनो सदा रंग तुमको चाहते हैं, सुनो सदा रंग तुमको चाहते हैं, क्या तुम हमको छगन दिया, जा 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 रे अपने मंदिरवा, जा सुनो सदा रंग तुमको चाहते हैं, क्या तुम हमको छगन दिया, जा जा रे अपने मंदिर। अब हम अगर आलाप को गाते हैं, छोटा आलाप करते हैं या बड़ा आलाप करते हैं, तो आपको जब आप तबले के साथ गाएंगे तो आपको मात्राओं का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कि जैसे कि अगर आप जा रे अपने सा पने पसा, आपको ताल को समझ के ये गाना पड़ेगा। एक बार और देखते हैं। जा रे अपने ने सा गा मा गा पा मा पा गा रे सा, जा रे अपने। इस तरह से आपको काउंट कर करके पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप तबले के साथ इसको गा पाएंगे। और अब हम इसकी जो ताने भी हैं वो भी हम पहले आठ मात्रा की ताने गा लेते हैं। हर स्वर से एक तान गा लेते हैं पहले, जैसे और जो ताने हैं वो भी सम से होंगे। नि सा गा मा पा नि सा नि दा पा मा गा रे सा, सा गा मा पा मा पा नि दा पा मा गा रे गा रे सा, गा मा पा गा मा पा गा मा पा मा गा मा गा रे सा, मा पा नि दा पा दा मा पा मा गा मा गा रे सा, पानी सा पानी सा पानी सा नि दा पा मा गा रे सा, नि सा रे सा नि दा पा मा गा रे सा, गा मा पा सा रे सा नि दा पा नि दा पा मा गा रे सा, सा गा गा रे सा सा गा रे सा दा नि दा पा मा गा रे सा। इस तरह से जा जा रे अपने।
नि सगम पनी दबा सानी दबा मगर सजारे अपने गम प गम पम गम गर सजारे अपने। मतलब जब आप तान करेंगे तो जा 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 ये छोड़ना पड़ेगा आपको, जा रे अपने। तो इस तरह से आप इसका अभ्यास करें, पहले आप काउंट कर करके करिए, उसके बाद आप तबले के साथ करिए। मैं सोच रही थी कि तबले के साथ इसको थोड़ा सा करें, लेकिन तबले के साथ मेरा कुछ ए शार्प स्केल में प्रॉब्लम हो रहा, तो मैं अभी सी शार्प स्केल से इसको गाती हूँ छोटा ख्याल। आपने देखा कि तबले के साथ इसको कैसे गाया जाता है, कैसे गाया मैंने। मुझे स्केल थोड़ा सा ऊंचा करके गाना पड़ा सी शार्प से, क्योंकि ए शार्प स्केल से तानपुरे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैंने दोबारा से स्थाई को सी शार्प स्केल में तबले के साथ गा के बताया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही, नमस्कार।